जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे हम रिवॉर्ड देना चाहते हैं, फिर हम उसका डॉक्यूमेंट रूल डिफाइन करेंगे कि हमारा सारा कंटेंट जो है वो कहाँ पे पड़ा है, सारे फाइल्स जो जो हम एक्सेस करेंगे सर किस पे जाएंगे, ये कहाँ पे जाएंगे? चला गया वो, और सबसे नीचे लास्ट में, सबसे लास्ट में ये लाइन ऐड करना होगा। कंट्रोल पेज डाउन, नहीं जी से कर देंगे ना। तुम वी एडिटर में क्यों नहीं खोलते हो, वी आई एम एडिटर में? हम वो रंग बिरंग दिखता है ना सर, हाँ आ गया सबसे नीचे सर। ये दिखाए तो सर यहाँ पे जैसे है हमारा, इसी पे कर रहा है ना जोड़ने के लिए इसको यहाँ पे। अरे कहीं भी जोड़ दो, लास्ट में जोड़ दो सबसे, यहाँ पे जोड़ दो, सबसे लास्ट में जोड़ दो, इंटर करो सबसे लास्ट। ये लाइन नहीं है क्या? ये तो इसको क्लोज किया है ना, तो मैंने क्या बोला सबसे लास्ट, सबसे लास्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है यहाँ कर दो। अरे भाई सबसे लास्ट, ये वर्चुअल होस्ट क्लोज कर रहा है इस वर्चुअल होस्ट के लिए, मैंने क्या बोला सबसे लास्ट। ठीक है तो लास्ट में तो स्टार्टिंग करना पड़ेगा ना, वर्चुअल होस्ट स्टार्टिंग करना पड़ेगा ना। कुछ नहीं करना, ये बस लाइन लिखना है टच से, बस वर्चुअल होस्ट नहीं लिखना। डालना है क्या? एलियस, एल आई ए एस, बताना है सर, देखना अरे यहाँ से लिखो लाइन शुरू से, यहाँ से कर दो, मैं सोचा इसके सामने से। ठीक है एक और इंटर मार दो यहाँ पे स्पेस दे दो। ठीक है अब जाओ सेव करो इसको, ये कॉपी कर लो पूरा, ये वर्ड डब्ल्यू एस टी को, अरे इसको डबल क्लिक करो ना हो जाए कॉपी। सेव कर क्या बात, यहाँ पेस्ट प्रिंट करना है क्योंकि सेव कर दो बस। अब हम यहाँ करेंगे सर सिस्टम से ठीक नहीं, पहले एम के डी आर से फोल्डर बनाओ, ये कॉपी किए हो, राइट क्लिक कर दो पेस्ट हो जाएगा। इंटर कर दो, बन गया सर। इसमें कुछ लिख दो क्या रिपोर्ट में, कुछ जाके लिख दो इसके अंदर, हाँ बना लो एक इंडेक्स वेट एचटीएमएल टैग भी।
टच करके बना देता हूँ। अरे इसके अंदर लिखना है यार, लिखोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। देखो जी इधर आ जाओ, http.com फाइल है, मैंने एलियास में रख दिया नाम देव, ठीक है। अब हेड एचटीएमएल के अंदर भी पाथ खड़ी संख्या है डेमो वन, HTML के अंदर डेमो वन फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं फाइल बना देता हूँ, मैंने नाम लिख दिया डेमो वन, ठीक है। नई फाइल बना दिया मैंने इंडिया HTML के नाम पर, ठीक है। देख लो मुन्ना, मैंने इलियास का नाम रखा है बेब, जो यहाँ पे हमने रिपोर्ट रखा है, हाँ जो रिपोर्ट रखा है, और पाथ जो रिपोर्ट है वहाँ पर नाम लिख दिया है डेमो वन, ठीक है। डेमो वन के अंदर हमने तुम्हें दिखाई दिया कि एक फाइल है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फाइल बना दी तुमने, बना दिया भैया, खोलो जा सर, खोल ले आई सॉरी सर, एक यहाँ पे कौन सा आईपी लिखो, तुम्हारा जो EC2 का पब्लिक आईपी है वो लिखो, ये वाला ना, ये ना, फॉरवर्ड स्लैश क्या नाम दिए थे वहाँ पे इलियास में, इलियास में रिपोर्ट दिया हो ना, हाँ REPORT रिपोर्ट, बेनिफिट ये हो गया कि तुम्हें डोमेन नेम से नहीं चलाना है, ठीक है। इंटरनल डोमेन नेम की जरूरत, आपका की वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट में एक पर्टिकुलर फोल्डर है जो हम चाहते हैं कि कोई भी बाहर से ना खोले, अगर खोले भी तो उसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगे, ठीक है। जैसे हमने अपने यहाँ भी कर रखा है, अपने यहाँ यूज करते हैं तो जरूरत पड़ता है कोई भी तुमसे पूछ सकता है, मांगे, ठीक है। हाँ। तो मैं क्या करूँगा, ये हमारे को कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें डाल दो ले जाकर, हाँ डालो, खोलो उस फाइल को, यही करना होगा ना सर, हैं डालना पड़ेगा ना, हाँ http.com फाइल खोलो, इसी में है ना, हाँ उससे क्या होना पड़ता है, तुम कहीं पे भी हो, मैं बता रहा हूँ कि इसी में जाना होगा ना, इंडेक्स में, अच्छा कौन भाई डॉट कॉम फाइल बता रहा हूँ मैं, ठीक है जा रहा हूँ। अगर तुम ये अदर डालोगे ना भी एडिटर में, कभी तुम गलत कर दोगे ना, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन चलेगा नहीं, याद रखना लाइफ में हमेशा VM एडिटर में खोलना, हाँ ऑप्शन नहीं हो कि VRM नहीं है उसमें तो वे ही में, और कभी भी कॉन्फ़िगरेशन सेव करके बाहर नहीं आते हैं जब हमें कुछ हमने कुछ काम हाँ, नहीं किया तो ठीक कर दो, तुमने डब्ल्यू की किया था इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे लास्ट में जाओ चाहे कहीं भी ऐड कर दो, सबसे लास्ट में ऐड कर दो, छोड़ो देखो ये पूरा डिफाइन करना, ठीक है। यहाँ पे तुम ये HTML हमने बारूक दिया ना, हाँ। तुम यहाँ पे दे देना भाई रिपोर्ट वाला पाथ, यही सेम लाइन लिखो अपने इसमें, पूरी स्क्रिप्ट लिख जाएगी, पूरी स्क्रिप्ट लिखो, ये अब तो तुम लोग कॉपी में भी लिख लो सर, ए वाला ना, कौन सा वाला, ए वाला ना,
अरे ये वाला जो पाथ तुम बनाए हो रिपोर्ट वाला, इसके जगह पे तुम ये वाला पाथ देना अपना। अरे स्क्रिप्ट लिखूं कौन सा, ये वाला? अरे यार ये बता रहा हूँ ये। अच्छा आपके पास अलग है? ये वर्चुअल होस्ट नहीं करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोटेक्ट करवा रहा हूँ। जैसे कि कोई रिपोर्ट नाम का फोल्डर है, बाहर से कोई खोले तो उसको यूजर नेम पासवर्ड मांगे। ठीक है, इसके नीचे मैं बना दे रहा हूँ। हाँ, इसको तुम लोग कॉपी में भी लिख लो। आइए, जो लिखा कैप्स में कैप्स में लिखना, ठीक है, जो स्मॉल में लिखा स्मॉल में, गलत लिख दोगे तो नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस, आई विल चल। बहुत अच्छा, जो इलियास है उसमें मन फोल्डर भी डाल सकता है, वो तो खुल जा रहा है वहाँ पर। तो पासवर्ड मांगेगा अगर तुम खोलोगे, तो पासवर्ड मुझे नहीं मांगेगा, सोल मांगेगा, तो उसके अंदर भी तुम कुछ डाल सकते हो ना, जैसे कि हाई लिखा हो हाई लिखा हो, मेरे पास फाइल के अंदर जो लिखा हो वो तो निकाल रहा था। अभी लिखना है ना, ये पासवर्ड डाला है सिस्टम पर जाकर वो करेंगे ना, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, कुछ भी करना तो दो जगह डाले हैं ना, दो जगह नहीं डाले भाई, ये इस रिस्टार्ट करने के बाद ना सीधा यूआरएल डाल रहा हूँ आप आ जाते हैं। ये तुम ऊपर लिख चुके हो, यही वर्ड डालना है, ये अलग चीज है, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोल रहा हूँ इसके। अबे यार उसको छोड़, पापा कभी कोई ऐसे आए न रहा, आईपी फोटो नहीं इसमें, फोटो नहीं है, सिस्टम आईपी है, सिस्टम आईपी दिया था, उसके बाद दवाई दे रहा हूँ आप, दवाई दे रहा ना, टेम्पर है ना, रोड है।
था रोड में से तो गैस के बारे में था। कौन है क्या हो गया बड़े में निकले भाई टाइप वन टी मेरे कहाँ से बना सब गोल को टी टू नीम का माँ जा रहा था सी टी नीम फिर मेरी भी हालत खराब है ये है कि तबीयत ठीक है देखिए एक वीडियो छोटी सी क्लिप है हम कुमार देवी सब बोलता है एक नहीं एचटी मैं सब फास्ट बोल रहा हूँ खाना ये क्या हो गया क्या बोलता है मतलब
मैं क्लिप देखी मतलब उनकी आनंद कुमार को सर्वर नॉट फ्रॉम कैंडी दिखा रहा, नेट चला गया क्या? सिस्टम आईपी रिपोर्ट स्पेस आईपी एड्रेस स्लैश रिपोर्ट तो तुम अपने सिस्टम पर चला सकते हो या पासवर्ड से लगा इंटरनेट सर्वर है, इंटरनेट सर्वर अगर बता रहा है तो पासवर्ड तो हम लोग डाले डालने को मांग रहे वेगा ढाई पासवर्ड नहीं डाला गया है डॉट एस टी पी पास पासवर्ड नहीं डॉट एस टी पी सही में एच टी पास डब्ल्यू डी हाइफन सी हाइफन एम ठीक है ये फिर लाइन पेस्ट करोगे फिर यहाँ पे यूजर बनाओगे रिपोर्ट जो वहाँ पर डिफाइन किया हो ना वही बनाओगे रिपोर्ट तो यहाँ पे पास दे दो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है आप अब तुम देखो इसमें नाम का यूजर बन गया ना पासवर्ड उसका ये हो गया ठीक है अच्छा फर्स्ट टाइम देते हैं तो क्रिएट अगर दूसरा इसमें तुम यूजर ऐड करोगे फिर एक दूसरा यूजर तो उसमें से सी हटा दोगे क्योंकि सी होता है फॉर क्रिएट ठीक है अच्छा एम वन मॉडिफाई हाँ तो अब हम बनाएंगे एक मान के चलो रिपोर्ट वन बनाया हमने ठीक है ठीक है रिपोर्ट बन गया अब देखो और वहाँ पे तो दो यूजर बन गया ना रिपोर्ट रिपोर्ट बन और वहाँ पे तो एक ही रिपोर्ट का ये दिया है ना ये मतलब वहाँ पे तब होता है ये तब होता है जब वहाँ पे यूजर नेम डिफाइन नहीं किए हो सिर्फ तुमने फोल्डर को प्रोटेक्ट कर दिया ये सी अगर डिफाइन नहीं करना हो तो कोई ऐसा यूनिक कोड दे सकता है जिससे कोई भी यूजर उठा ले वो तब वो केस तब लागू होता है जब एक फोल्डर पे मल्टीपल यूजर को तुम परमिशन देना चाह रहे हो लेकिन हमारा तो फोल्डर एक ही है ना वहाँ पे रिपोर्ट तो वहाँ पे तुम वही ये यूज करोगे खुल गया ना अभी एक बार तो सेव हो गई है बाहर से कोई भी खोलेगा अब उसको यूनिक पासवर्ड मांगेगा अगर आप अपने सिस्टम में खोलेंगे वहाँ यूजर पासवर्ड मांगेगा हाँ बिल्कुल मांगेगा मांग रहा है ना यहाँ पे ठीक है तो ये दो चीजें था जो रह गया था ये है आपका अपाची का लिखो माई नेम
कैपिटल में लिखना है। माई नेम, माई नेम इक्वल टू डबल कोट ब्रैकेट होता है ना, डबल कोट वाला। हाँ डबल कोट वाला उसमें लिंक हो ऐसे ऐसे वाला या ऐसे वाला। ये डबल कोट सिंगल कोट होता है, एक डबल। अच्छा समझ गया, ठीक है। हाँ जो समझ गया समझ गया। विदाउट स्पेस ना। हाँ हाँ इक्वल टू के बाद ही उसमें लिखो अपना नाम लिखो कैप्स में। हाँ कैप्स में ही अपना नाम स्मॉल में लिखो तो उसमें लिखो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ठीक है। हाँ अब उस ब्रैकेट को बंद कर दो। हाँ कर दिया ब्रैकेट बंद। हाँ इंटर मारो आ गया दूसरे पे। हाँ हो गया वापस करने में का गया ना। हाँ अब यहाँ पे कमांड चलाओ एक्सपोर्ट EXPORT एक्सपोर्ट EXPORT एक्सपोर्ट स्पेस। वहाँ पे क्या लिखा था तुमने, माई नेम लिखा था। माई नेम लिखो कैप्स में वही नाम यहाँ पे लिखो जो कॉपी पेस्ट कर दो कैप्शन लिखो कैप्शन लिखो। अरे यार भैया अरे कितना दूर। मैं सोचता हूँ ये आप बोलते हैं ना टैब से आ जाता है, टैब चैनल की जाएगा ना महीने में ना। महीने में लिखूँ या पूरा लिखूँ? एक मिनट लोग इधर इधर एक मिनट से महीने में तो पूरा नहीं लिखा है। पूरा लिखा है सर माय नेम तक के पूरा के लिखा था। तुम ऐसे किधर आ जाओ तुम यही तो लिखे। हाँ केवल माय नेम लिखना है एक्सपोर्ट किया गया। अरे ये लिखना है ऐसे माय तो पोस्ट एक्सपोर्ट्स नहीं एक्सपोर्ट वेस्ट नहीं करना था। अब लिखो यहाँ पे इको स्पेस ECHO इको स्पेस डॉलर डॉलर की तरह। अब जो तुम माई नेम लिखे ना पेस्ट कर दो माई नेम ना क्या। अरे स्पेस मत दो डॉलर के पास स्पेस थोड़ी ना होता है, डॉलर के साथ ही रहेगा। इंटर मतलब ये है कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया कि अगर माई नेम इक्वल टू मुन्ना ठीक है कुछ भी नाम कर दिया। एक्सपोर्ट कमांड होता है जो अपने में वो एक क्या बोलते हैं बैश में डाल देता है। एक्सपोर्ट कमांड का मतलब है कि आपको वो बैश में डाल देगा बैश सेल पे जो भी करंट सेल तुम्हारा चल रहा है बैश सेल। अब जब भी ईगो करके कोई डॉलर माई नेम करेगा तो मुन्ना प्रिंट कर देगा। अगर इसी को तुम चाह रहे हो परमानेंट फिक्स करने के लिए ठीक है कि डॉलर हम माई नेम इक्वल टू लगाएं तो मुन्ना प्रिंट कर दें। अभी क्या कि सिस्टम जैसे ही लॉग आउट कर देगा ना ये चला जाएगा ठीक है। दोबारा चलाओगे इको डॉलर मुन्ना माई नेम तो ये नहीं चलेगा ठीक है ना। इसके लिए क्या काम करोगे आप कि आप ये जो है ना डिफाइन करोगे कहाँ पे ETC एक्सपोर्ट में नहीं ETC एक्सपोर्ट में नहीं इस फाइल में डिफाइन होगा बैश प्रोफाइल के अंदर। ओके ETC प्रोफाइल हाँ बैश प्रोफाइल के अंदर ये वाला है ना ETC बैश प्रोफाइल जो है
किसी भी सिस्टम का चार मिलता है, बैस हिस्ट्री, बैस प्रोफाइल, ठीक है, बैस आरसी, ठीक है ना। हिस्ट्री में तुम्हारा हिस्ट्री होता है, बैस लॉगआउट में तुम्हारा लॉगआउट होता है, लॉगआउट एंट्री, ठीक है। अब जैसे जो तुम कमांड चलाते हो, जो तुम कमांड चलाते हो, इसकी हिस्ट्री कहाँ सेव होती है? उसी के डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री में सेव होती है। जैसे बैश प्रोफाइल में आ गए हम लोग। देखो हर सिस्टम की जब कोई नया यूजर बनता है ना, उसकी चार पहले डिफॉल्ट मिलता है। जब तुम कोई यूजर ऐड करोगे, इसमें चार फाइल डिफॉल्ट हिडन बनता है, डॉट हिस्ट्री, डॉट बैस अंडरस्कोर हिस्ट्री, डॉट बैस अंडरस्कोर लॉगआउट, डॉट बैस अंडरस्कोर फाइल और डॉट बैस आरसी, ठीक है। बैस हिस्ट्री में तुम्हारा जो कमांड चलाता है जो यूजर अपने टर्मिनल पे, वो हिस्ट्री के अंदर सेव होता है। बैस लॉगआउट में वो ये बताएगा तुम्हें कब सिस्टम पे लॉगिन किया था, कब लॉगआउट किया था, ठीक है, उसकी हिस्ट्री होती है। बैस प्रोफाइल जो होता है डॉट बैस आर सी, बैस प्रोफाइल होता है हम अपनी खुद की अपनी प्रोफाइल बनाना, ठीक है। और बैस आर सी यूज करते हैं कोई बड़े कमांड को छोटे कमांड में हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जैसे कोई कमांड बहुत बड़ा है उसका छोट शॉर्ट फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो डॉट बैस आर सी में हम डिफाइन करेंगे। तो रूट है, रूट पे, रूट का डिफॉल्ट जो है रूट पे ही मिलता है, ठीक है। जब एल एस आई पेन एल ए करोगे ना रूट पे लॉगिन करके, तुम्हारे के चार फाइल दिखेगा, ठीक है, ये चार फाइल। तो ये चार फाइल में कोई भी चेंजेस करेंगे हम तो सिर्फ रूट यूजर के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर यही सेम फाइल हमारे ई टी सी के अंदर भी होता है, ठीक है, ई टी सी के अंदर दो ही फाइल होता है, लॉगआउट नहीं होता और ये तुम्हारा ये नहीं होता, हिस्ट्री नहीं होता, वहां पे होता है बैस प्रोफाइल और बैस आरसी। जैसे बैस आरसी है इसमें, ठीक है ना, जैसे इसके बैस आरसी वाली फाइल में इसने क्या कर दिया है, एलियास में डिफाइन कर दिया है आर एम इक्वल टू आर एम हाइफन डॉट बैस आर सी खोलो ना, ई टी सी हटाओ, ई टी सी में नहीं जाओ, डॉट बैस आर सी खोलो, ये पर डिफाइन है ना एलियास आर एम इक्वल टू आर एम हाइफन आई। जैसे हम कुछ आर एम करते हैं, ठीक है ना, तो आर एम करते हैं तो इंटरनल क्या चलता है, आर एम स्पेस हाइफन आई चलता है, हम लोग को पता नहीं क्योंकि यहाँ पे एलियास डिफाइन कर दिया है, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं आर एम करते हैं ना किसी फाइल को डिलीट करने, तो वहाँ ये आर एम हाइफन आई भी चला देता है, ठीक है। सी पी जब चलाते हैं सी पी की जगह ये चला, यहाँ पे तुम कुछ भी एलियास बना दोगे ना, एलियास जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे जैसे क्या करते हैं हम लोग, मूव कर रहे ईटीसी के अंदर बैस आरसी फाइल होता है, जो और तुम यही चीज यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, ठीक है ना, नीचे से नीचे डिफाइन कर दोगे, यहाँ भी चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो तुम डिफाइन कर दोगे वो पूरे यूजर के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कोई भी यूजर कहीं भी हो ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है।
उसी तरह तुम्हारा ATC के अंदर प्रोफाइल होता है। जो हमने अभी करवाया था ना एक्सपोर्ट वाला, उसको तुम्हें डिफाइन करना हो तो कहाँ डिफाइन करोगे? ETC बेस्ट प्रोफाइल, ETC के अंदर प्रोफाइल, प्रोफाइल होता है। ठीक है, अब कोई पूछे तुमसे, देखो यहाँ पे हमेशा नीचे करते हैं ना सर? हाँ नीचे करते हैं, बीच में कभी नहीं चलते हैं। रुकिए, दूसरा तुमसे भी पूछे कि बाय डिफॉल्ट सर्वर पे जो हम कमांड चलाते हैं तो हिस्ट्री कितना सेव होता है? हाँ कितने कमांड का, देखो यहाँ पे डिफाइन कर, हिस्ट फाइल साइज कितना है? 1000 1000 फाइल, 1000 कमांड हिस्ट्री में सेव होता है। जैसे 1000 से ऊपर जाएगा तो पिछला क्या होता है अपने आप डिलीट हो जाएगा। अगर चाहते हो एक साथ डिलीट करने का है कुछ जो हिस्ट्री बताया भी था मैंने, हिस्ट्री स्पेस साइफन सी, अगर तुम यहाँ पे डिफाइन कर दोगे 5000 सेव होगा। यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे हिस्ट फाइल साइज फिर तो सर अपने अनुसार होगा। हाँ नाम डिफाइन करके सिस्टम मैनुअल, ये कमांड है कि तुम चाह रहे हो कि 5000 हमारी लाइन कमांड हमारा सर्वर पे सेव रहे हिस्ट्री में। ठीक है ना, कि किसने क्या क्या चलाया हम देखते रहे, ठीक है पिछला भी हम देखते रहे तो 5000 कर देता लोग। ठीक है ना, ये वहाँ पे। और इसको इसमें जब भी तुम चेंजेस करोगे सिस्टम को, एक बार तुम लॉगआउट करोगे फिर लॉगिन करोगे तब ये इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे जो चेंजेस कर दोगे वो सारी यूजर के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, तो अपने हिस्ट्री चाह के भी कम नहीं कर सकता है। आया समझ में नहीं आया? यस सर, मैनुअली हो गया सर, मैनुअली हो गया जितना हम हिस्ट्री को रख सकते हैं। हाँ यू मस्ट, मैंने बताया था ना डायरेक्टरी और फाइल के लिए क्या क्या मिलता है स्टार्टिंग में, हमने बताया था डायरेक्टरी का हमेशा होता है 0 2 और फाइल के लिए होता है 0 0 2। तो सर आज का टॉपिक क्या है? ये सब टॉपिक नहीं है सर, पापा नहीं करना है। बन गया तो फिर आधार बन रहा है तो नहीं लिया होगा ना डॉक्टर आईडी तो नहीं लिया होगा ले सकता है पता है। I agree था तो का प्राइवेट पॉलिसी एंड डेटा प्रोसेसिंग टर्म सब पर क्लिक कर दो, ऊपर वाले पे कर दो I am in robot इस पे भी कर दो, अब कंटिन्यू कर दो, आज बना ही डालेंगे बैंक जो हो ये डालो 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 सेव कर दो बाद में दीजिए भाई वीडियो बना रहे हैं क्या कह रहा भी देखते हैं छोड़ दो ना देखिए लैपटॉप मेरा खराब है इंडिया तो फायदा क्या लगा लैपटॉप का कभी तुमने देखा नहीं थी चला फंस गया भेज दे तो वापस करते लैपटॉप से ऐसे ले सर फंस गया फालतू में उसमें क्या डाला था जस्ट जस्ट चिल्ड इनबॉक्स में चेक करो क्या है भाई तो कुछ मैसेज आ रहा है वो मेल आईडी पे जा रहा है के पास $10 हो गए तो लिख के $10 तो सर का ATM देखने का कि सर आप ही बना रहे हो जी गया था अच्छा हालत खराब हो रहा है यार सड़ा अभी तो पढ़ाई स्टार्ट हुआ नहीं इसका इंसर्ट होता है
आया होगा सेशन क्यों हो रहा भाई पता है हो गया क्या इनएक्टिव नहीं दिखा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ ऊपर नहीं देख उसी को रिस्टार्ट कर दो ना नेट नहीं चल रहा है क्या उसी को रिस्टार्ट करो और उसको चलाओ स्टोरी होगी तो पता नहीं भाई क्या दिल में बताता कि चलो अपनी मान लो कि चलता भी उसका कुछ ना चल मैंने कहा टसन टसन में नहीं इंश्योरेंस वगैरह का पैसा मिला है बाप मरने पे सर अमरनाथ पैसे भेज दिए मैं आपको भेज दूंगा कैसे दूंगा निकाल के क्या कैसे पैसे ये काम करिए करो तो कागज चलो अब चलाना हो क्या बिल्ट इंस्टॉल वाला ये वाले स्टार हटाओ ना ये बोलिए ना मैं दोनों तरफ स्टार लगाने वाला में से हूँ तुम लगाए थे क्या स्टार पहले से नहीं अभी लगा Yeah.
ऐसे लिनक्स में कुछ करना होगा क्या? मुझे भी लग रहा है इंस्टॉल है पहले से। यहाँ पे पैकेज कंटेंट विल बी स्टोर स्टोरेड, वही कमांड दोबारा करना है इंस्टॉल वाले स्पेस दो एंड डाल देना तो हाइफ़न अपने स्क्रिप्ट ब्रोकन कॉपी पेस्ट कर दो, ये ना हाइफ़न अपने स्क्रिप्ट हाइफ़न ब्रोकन। एक मिनट कर रहा हूँ कर रहा हूँ, अरे इस पर क्लिक कर दो तो डबल हो जाएगा। अच्छा चलो मेन पैकेज भी कर देगा सर। तो मेन डिपेंडेंसी हटा दिया इसका। काम करो तो कल ये चला क्या तुम अपना रिमोट का वो बताओ तो। अच्छा बाहर सक्सेस नहीं पाएगा ना। आगे होगा रिकॉर्डिंग में अमरनाथ ले चाहे पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो तो उसके बाद करते हैं। आज देख लो सब आते हैं बुलदार बुलदार मिलते हैं तो हम लेके जाना पड़ता है। अगर तुझे फ्री वाला चाहिए जय बिहार में मिलता है ले लो फ्री वाला। तो 1900 वाला भाई 1900 थाने में भर्ती हो रहा है। हाँ ऐसा होगा कि तुम्हारे घर में भी ऐसा नहीं होगा साला। यही कब अकेले जब थे हम ना जी ऊपर डब्बा में रखा हुआ था ठीक है रखा हुआ था मुझे सारा डब्बा था ऊपर खुला हुआ था फूट का डब्बा था और नीचे सारा पेंदी खुला हुआ था धुआं 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 सारी देखो बस रोकते रोकते कप में थोड़ा सा ऑफिस में है सर दो तीन बंदे इतना गिफ्ट दे दिए चार पांच में बस एक तो आवाज को मैंने दे दिया पूरा वो यही देता है सर सेट देता है मुझे अब फिर देगा कौन एक है सर उसके फैक्ट्री है बनाता चीनी तो नहीं एक तो देखो एक तो इस सस्ते वाले भी बेचते हैं 10-10 रुपये में। ना ना 10-10 वाले नहीं है मैंने मुझे नहीं पता पर डावा पे लिखा रहता है 3,000-3,500 बड़ा बड़ा सा डावा पूरा सेफ्टी लगा दिया एक तो आपस को पूरा दे दिया मैंने उससे तो ले गया। अरे उस सब को दिया करो दिया ऐसे किया करो ना। हाँ जिसको नाम ले तुम्हारा नाम का लिया सुनो 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 बताया क्या किया करो जब तुम घर जाते हो ना तो अपने रिश्तेदार में किसी की शादी वादी होती बढ़ती ठीक है ना उसको दे दिया करो कि उसका शादी होगा ये दे देना हमारा। अभी शादी नहीं भी होने वाला है पता तुम्हें 5 साल बाद होगा ना। हाँ हाँ तो दे दो उसको घर वाले रख देंगे जब शादी दे देंगे अभी बस ऐसे लोगों को दे दो। अरे देखो दो उसको जो देने लेने वाला लेने के लायक आप जिसके पास ऑलरेडी उसको हम देखे क्या करेंगे वो तुम्हारे रिस्पेक्ट भी करेगा आदर भी करेगा जब भी जाओगे तो हम नहीं खाएंगे।
तुम्हारा कोल्ड हुआ है, कोल्ड हुआ है, एक ही उपाय है, सरसों तेल, सरसों तेल लगा घर में, सरसों तेल लेके हाथ में उंगली से ना लाल थोड़ा सा खींच लेना, भिक्स वगैरह उसको बेच के, अरे भिक्स की उसको देसी उपाय भैया घर वाला है ना, डालना नहीं है घर वाला ऐसे उंगली ले कैसे ऐसे यहाँ पे रखे गरम गरम नहीं घर वाले ज्यादा अरे ठीक है जो जहाँ पे है वैसे ही मतलब उसका जो झांस होता है ना उसे जो तुम्हारा कोल्ड देखो ये क्या है ना एलर्जी से होता है कोल्ड है एलर्जी से होता है वो एलर्जी को क्या करता है ना वो कर देता है जला देता मार देता है मैं तो एक रुपये में दवाई नहीं खाता सर्दी खा हाँ एक रुपये हाँ फीवर हो जा रहा है ना उसको सर फीवर हो जाए कुछ भी तो मैं तीन खा लिया हूँ रातला हाँ दवाई का तीन आदत बना लिया चीज़ें दवाई से ही ले कल मैं सोचा सर एक दिन मैं झेल चुका हूँ एक दिन मैंने अब्बास सर को बोला कि छुट्टी ले रहा हूँ सर मेरा तबीयत खराब है मैं सोचा सो लेता हूँ आराम कर लेता हूँ छूट जाएगा गर्म पानी कोल्ड में क्या है कोल्ड में देखो कोल्ड में तुम जितना लेटोगे ना बाहर नहीं जाओगे ठीक है आराम से लेटो और गर्म गर्म चीजें तो ना आराम से खाओ हमारा क्या है तो सर मैंने तुलसी के कारस मत हैं वो पिया वो उसके लिए है यार वो खांसी के लिए खांसी तो नहीं बताया ना वो खांसी के लिए खांसी तो नहीं था तुम्हारा तो कोल्ड है ना कोल्ड में वो काम नहीं करेगा जो तुम बता रहे हो तुलसी का जो कड़ा है वो खांसी में काम आता है कफ निकालने में और अमरनाथ सबको घर पर ये भी अमरनाथ घर जा रहा है चाय पीने के लिए बिल्कुल सर कहाँ ले रहे हो घर बाईस में ठीक है सर बाईस तो बाईस महीना भी तो मिले जाए पर इधर से जहाँ रह रहे हो सर ठीक है कम्युनिकेटेड है कितना मिलेगा वहाँ पे बाईस में छोटे छोटे मिलते हैं यार मैंने 22 में भी देख रखा है हाँ हाँ दो रूम साला कहने के छोटे छोटे दो रूम सेट है कितने का भैया 6000 रुपए का फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर जाए ना जीना जो था जीना का सीढ़ी हाँ इतनी होती है इतनी मतलब तुम बड़ा चीज चढ़ा ही नहीं सकते ऊपर में अब मोटा आदमी होगा तो वो भाई तीर्था उसे चढ़ाएगा सच में इतनी इतनी क्या अरे मैं सेक्टर 12 में रहूँ ना अरे दो रूम छोटे छोटे थे यार लोग रहते हैं वहाँ पे किसी का सिंगल रूम तुम्हें मिल जाएगा 4,450 प्रवीण को बोल देता हूँ तुम्हारे लिए उसके साथ लिंक जाके तुम्हें देखना पड़ेगा भाई गरज तुमको है तो तुम तो जाओगे ना यही आगे में तो नाम क्या है चीन के आगे ये प्रताप बिहारी है प्रताप बिहारी है अच्छा कॉलोनी है बेस्ट कॉलोनी है ठीक है और सिक्योरिटी भी है और तुम जो इधर उतना रुपया तुम दोगे 6000 में तीन रूम का उससे अच्छा तुमको दो रूम की क्या जरूरत है एक रूम का तो विकास होता था हमारे टीम में उसको 4,500 में मिल जाता बढ़िया रूम था फर्स्ट क्लास बड़ा रूम था आगे बात बनी थी फर्स्ट क्लास 4,500 उसको बोल देंगे तो देखवा देगा
परवीन को। मेरी बात उससे परवीन लेकिन हाँ ये 1% केवल फैमिली वाले को ही देते हैं, बैचलर को नहीं देते हैं जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी उनमें घर में फैमिली होती है ना उनकी घर में, तो क्या है बैचलर बहुत कम देते हैं। तो बात होती है तो पूछ लेते हैं। नंबर मैं देखता हूँ लेकिन तुम्हें आना पाओगे कब? उधर ही देख लेना तीन लोग भी शिफ्ट हो जाएगा उधर कहीं मिल जाएगा रूम तो बजलर में परवीन लिया तो है 6,000 में दो रूम शिफ्ट का 5,000 लेकिन बहुत बड़ा बड़ा रूम है 6,000 में तो ये जमुरा सामने में बैठा बढ़िया रूम है इसने ले रखा है ऊपर का छत पे है आगे छत भी है खुला सा कोई तुम्हारे गेस्ट वेस्ट भी आ गए चलो उसको मजा लेना है सही है घर जाना है तो उतना दूर जाना ही नहीं यहीं से लेकर ऑफिस के लिए सीधा यहाँ से भी मिल जाता है अब तुम्हारे लोग के पास तो वही है स्कूटी है बस ये नवंबर दिसंबर में चालू हो जाएगा रोड ये मजा आ जाएगा फिर तो भन भन निकलेगा गाड़ी अब इसीलिए पता है मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ सारा हाँ आजकल फोर व्हीलर से जा रहे हैं नहीं रीजन क्या है ना उस दिन बगे से बता रहा था कि आजकल जो 14 लेन में जो अंडर पास बने हैं वो तो थोड़ा रात के समय सेफ नहीं है। अच्छा अंडर पास जो बने हैं क्योंकि एक तो कि मेन एलिवेटेड बना दिया जिसको मेरठ जाना है सीधा सीधा और जिसको लोकल एरिया में जाना है उनके लिए अंडर पास आप जाओ यू टर्न ले जाओ अंडर पास 62 से पहले भी कवर है तो आप इधर से नहीं आते हैं क्या इधर से मैं तो आता हूँ अंदर से जब आने के लिए ऑफिस से फिर आपको लेना पड़ेगा ना ये सब अंदर बना है अंडर पास अभी तुम लोग रॉन्ग साइड लेके आते हो कैसे आते हो हम तो यहाँ से आते हैं छिजारसी से आगे आते हो फ्लाई ओवर पर चढ़ देते हैं चढ़ते नहीं छिजारसी सीधे रोड से ऊपर चढ़ जाते हैं अरे हिंडन फ्लाई ओवर पे आते होगे ना वो कैसे आते हो ऊपर से नीचे से नहीं आते सर छिजारसी निकले छजारसी पे रोड की साइड कैसे आते हो ऑफिस यहाँ पे आने के लिए रोड है ना सर वो जो छजारसी से ऊपर रोड साइड दूसरी पे आ जाते हैं आगे तो बंद कर दिया ना वो बंद हो गया सर हम लोग नीचे से नहीं आते नहीं समझ रहे हो तुम लोग छजारसी जहाँ शनि मंदिर था ना पहले वहाँ पे निकले ना तो सामने तो बंद करके रखा है ना तो वही बता रहा हूँ सामने हम लोग रॉन्ग साइड जाते हैं करे रॉन्ग साइड लेके आके फिर जाके उस पर टर्न मारते हो ना अब वो रॉन्ग साइड बंद हो जाए तो क्या करोगे तो आगे जाना पड़ेगा ना आगे जाके यू टर्न है वो अंडर पास में है ठीक है वागे सकी यू टर्न है अंडर पास में अभी तक अभी बहुत बड़ा है वो तो बहुत बड़ा है लेकिन रात के अंधेरा रहे मूवी देख के पर हम जब जा रहे थे ना तो उधर से घूमने वाला सर हाँ उधर से घूमने तो मैंने देखा है तो साला छिनछन करने वाला है पूरी अभी तो बंद है वो अंधेरा है वैसे ही बाइक से तो उसी से नहीं है साला वो बाकी बता रहा था सारा पीछा कर दिया था तो इनको कि उधर से स्कॉर्पियो वाला की कौन सा गाड़ी आ गई फोर व्हीलर तो लाइट में वो हो गया मैं इस साथ मूवी देख के निकले हम लोग इस साथ का वही आदत है कि 12-1 बजे रात को हो गए यान इंस्टॉल आज मुन्ना जाना है क्या ऑफिस यान इंस्टॉल टॉकर ठीक है अच्छा एरिया था आपका इसे शांत बढ़िया एरिया है बगल में बहुत सारे मकान है सर कोई बेचेगा नहीं पूरा खरीद लेते हैं खरीद लो अच्छी बात है साथ में रहते हैं और तो हॉस्टल पीजी हो जिस एक सामने पेटू दरोगा जैसे रहता है 100% उसके बाद नहीं कहता उसे कब्जा करना कहता है कब्जा नहीं करना नहीं किराए पर रहता है दरोगा
दरोगा है, उसकी आवाज से मुझे लगा वो दरोगा ही है या तो कॉन्स्टेबल होगा। ना ना दरोगा ही है। दरोगा ही है ना, क्योंकि उसकी आवाज आज ही तो गाली दे रहा था पेपर वाला को। क्या बोल रहा था? पेपर वाला डाला, पेपर चला गया एसी पे। ओए ओढ़ी के कहाँ डाला रे? बच्चा सा लड़का, उसको मछली के सर वहाँ 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 एसी पे चला गया। तो इन लोगों का इसीलिए तो उनके बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं। इतना बड़ा तोंद निकला, रात को देखोगे ना खूब खाना खाएगा, खाना खा के खूब कुत्ता ले लेगा, टलते रहेगा टलते रहेगा टलते रहेगा। एक बेटा है एक बेटी है, बड़े बड़े मजे आते हैं। मजे नहीं है। हाँ अपना लाइफ चेंज है। देखो अब हमने क्या कर दिया। अरे यार क्या हो रहा है ये साला। सिस्टम इंस्टॉल्ड होकर स्टार्ट कर दिया, सर्विस इनेबल कर दिया, ठीक है। लिखेंगे आप देखिए यम इंस्टॉल्ड डॉकर। अरे यार अरे लिखो सिंपल ना। लिखो मुन्ना तुम ये पकड़ो लैपटॉप। अब यम इंस्टॉल डॉकर, ठीक है। अब लिखो यम इंस्टॉल, नहीं नहीं यम इंस्टॉल हो गया, ठीक है रहने दो। अब लिखो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर। डॉकर से लिख रहा हूँ ना, DOCKER, ठीक है। सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर, इनेबल डॉकर। रीस्टार्ट भी लगा सकते हो। ठीक वेट, डॉकर फुल स्पेस HTTPD 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 ठीक है। करूँ ये क्या कर रहा है, ये इमेज डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। अब इसे तुम चलाओ, लिखो कमांड डॉकर स्पेस इमेजेस। मतलब कि एक इसने इमेज बना के यहाँ पे रख लिया, देखो यहाँ पे, ठीक है। कर लिया ना। अब तुम्हें क्या है कि अब मशीन तुम्हें लॉन्च करना है, ठीक है। मशीन तुम्हें लॉन्च करना है, तो मशीन लॉन्च करने के लिए कमांड होता है लिखो डॉकर सर। ये देखना सर, ये मेरा बना हुआ था, ठीक है। तो कहाँ जाऊँ यहाँ पे? यहाँ पे अभी कुछ मत करो ना उसको, तुम थोड़ा देखना चाह रहा था। ये कमेंट चाह रहा डॉकर में डी छूट गया, डी लगा लेना, चलो मैं डिलीट कर दूँगा। नहीं लगा लो, ओहो डॉकर
कुछ इसको डिटेच करने चलाना है। चलो फिर कंट्रोल सी करो दिखना है तो डॉकर स्पेस पीएस डॉकर स्पेस पीएस स्पेस हाइफन ए ये कंटेनर बना था लेकिन कंटेनर ये क्या है खराब है ठीक है ना कंटेनर को डिलीट कर दो ये वाला का डॉकर यूएससी डॉकर स्पेस आर एम आर एम स्पेस ये कंटेनर आईडी इंटर डिलीट हो गया। तो भी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा था एग्जिटेड दिखा रहा था मतलब ये चल नहीं रहा है। अब तुम दोबारा वही अप एरो कमांड ले जा अप एरो से वही कमांड ले जाना जो चलवाया था मैंने तुम्हें चला तो दिया नहीं जो तुम्हें स्काइप पे दिया था अच्छा आई टी डी एक काम करो यहाँ पे लगाओ आई टी के बाद ना हाइफन डी लगाओ स्पेस आई टी स्पेस आ गया ना ये तुम्हारे पे अपाचे सर्वर बन गया ठीक है। ये कंटेनर आईडी हो गया इमेज क्या है HTTP और ये कमांड बैकेंड में चल रहा है ठीक है ना। अब इस मशीन पर तुमको लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा अब इस मशीन पर तुम्हें लॉगिन करना है यहाँ चलाओ डॉकर है स्पेस EXEC स्पेस IT स्पेस हाइफन IT अच्छा हाइफन IT स्पेस ये कंटेनर आईडी दे दो स्पेस बैस कर दो BSH एंटर मारो। अब तुम इसके कंटेनर के उस पे आ गए एक नया मशीन बन गया तुम्हारे पास ठीक है आ गया पाचे पे मतलब एक तुम नया मशीन आ गए यहाँ पे तुम जो पात ये दे रहा है अब तुम यहाँ पे तुम एक ये तुम डायरेक्टरी वगैरह कुछ भी बनाओगे ना तो यहाँ बनेगा उस मशीन पे नहीं बनेगा जिस पे तुम काम कर रहे थे जिस पे तुमने इंस्टॉल किया था एक मतलब एक वर्चुअल मशीन एक और बन गया इस मशीन के अंदर ही एक और मशीन बन गया। अब तुम ज्यादा पब्लिक आईपी के ब्राउजर पे खोलना तो क्या खोल रहा है कहीं भी खोल दो बोलो इट वर्क्स। अब ये कहाँ का इमेज उठा रहा है पता तुम्हारे को ये इमेज वहां को उठा रहा है जो कंटेनर पे बना है एक कंटेनर पे जो है मतलब कि एक हमारे पास एक बड़ा मशीन था हमारे पास सर्वर है हमारे पास रिक्वायरमेंट दिया गया भैया अमरनाथ ने बोला कि हमारे लिए वेब सर्वर दे दो तुमने बोला हमारे लिए डेटाबेस सर्वर दे दो तीसरा आया हमारे लिए फाइल सर्वर दे दो तुम्हारे पास तो सर्वर एक ही है तुमने बोला अच्छा तुमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए लो जिम काम करते हैं तुमने क्या काम किया कि डॉकर हब से जाके इमेज को कर लिया पुल कर लिया ठीक है। हमने क्या किया डॉकर पुल से सबसे पहले क्या किया इमेज को पुल किया डाउनलोड किया अपने यहाँ पे डाउनलोड हो गया डाउनलोड होने के बाद हमने क्या किया कि उस इमेज से एक नई मशीन बना दी वो क्या होगा मशीन बहुत ही लो कॉन्फ़िगरेशन का मशीन होगा क्योंकि तुम्हें सिर्फ ज़रूरत है वेब सर्वर तुम्हें ज़रूरत है सिर्फ डेटाबेस सर्वर तो एडिशनल चीज़ें को इंस्टॉल नहीं करेगा वो सिर्फ तुम्हारी मिनिमल पैकेज जो बोलते हैं ना मिनिमल पैकेज सिर्फ इसको इंस्टॉल करेगा सिर्फ मिनिमल पैकेज को
और बाकी जो बेस चीज़ें हैं जो सिस्टम की लाइब्रेरी है वो इसी से उठाएगा, जो लाइब्रेरी वगैरह है वो सब तुम्हारे इससे उठाएगा जो तुम्हारा सर्वर का मेन ओएस है, जो मेन लाइब्रेरी है यहाँ से उठाएगा। ओके, वाले की इंटरफेस दे रहा है अलग सर्वर का, एक अलग बना के तुम्हारे को मिनिमल पैकेज दे रहा है। अच्छा सर, ठीक है, एक सर्वर बन गया तो इसको एक्सेस कैसे दूसरे को करवाएंगे, जहाँ एक सर्वर ये बन गया है ये तुम एक्सेस अब, अब एक सर्वर बन गया ना, अब इसको तुम काम करोगे, किसी बार बोलोगे तुम्हारे आईपी है लो अपना ब्राउज करके देखो। आईपी कौन सा देंगे इसका, ये वही देखे आईपी यही रहेगा पब्लिक आईपी। अच्छा, वो इंटरनल क्या है ना इसका, देखो आईएफ कॉन्फिग करो, चलेगा नहीं चलेगा कॉन्फिग, आईपी स्पेस ये करना आईपी स्पेस ए, आईपी कौन सा नहीं पता, चलो ठीक है, नहीं आईपी कमांड नहीं चल रहा है इसमें, ये देखो मतलब ये है इसका, ये क्या करता है तुम्हारे को देखो, ये जब डॉकर इंस्टॉल करते हैं ना, डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो अपने आप में वो एक छोटा स्विच बना लेता है इंटरनल आईपी दूसरे रेंज का, मेन रिक्वेस्ट मारा है अपने आपके मेन जो हम भी तुमने ब्राउजर से क्या किया है मेन सर्वर का आईपी स्विच मारा ना, वो इंटरनल क्या किया कि उस कंटेनर पे फॉरवर्ड कर दिया, तो ये चलता है पोर्ट के बेस पे, जैसे अमरनाथ का रिक्वायरमेंट है एचटीटीपी का, तो वो सिर्फ पोर्ट 80 पे ही वर्क कर सकता है, अदर पोर्ट पे वर्क नहीं करेगा, तो जैसे ही हमारे 80 पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजेगा वो सीधा उस कंटेनर को क्या करेगा फॉरवर्ड कर देगा, जैसे ही करेगा तुम्हारी सर्वर को कनेक्ट, लेकिन वो बैकेंड में क्या चलेगा वो डॉकर वाला कंटेनर चलेगा, वहाँ पे वो क्या करता है वो नेटिंग कर देता है, बेसिकली ब्राउजिंग तो होगा मेन आईपी लेकिन इंटरनल वो फॉरवर्ड उस पर कर देगा, यहाँ पे डिफाइन करेंगे तब तो उसका। हाँ तो जब भी वी कंट्रोल डी करना है तो मशीन बना दी, जो मैंने अभी कमांड इसे चलवाई थी, ये मेन तुम्हारा पोर्ट किस पे आएगा रिक्वेस्ट 80 पे, और ये कहाँ फॉरवर्ड कर देगा तुम्हारे कंटेनर के 80 वाले पोर्ट पे, ये पोर्ट के बेस पे काम करता है ये समझ गया सर। हाँ। एक सर्वर आप मिनिमम पैकेज से बनाएं और हम चाहते हैं कि दूसरे के दें वो एग्जीक्यूट करें। हाँ। तो कैसे करेगा ये मैं चाहता हूँ, इसी को कैसे करेगा कर, कौन सा आईपी है, तो हमारा आईपी है जो मेन, तुम्हारा आईपी है ना मेन। हाँ। लेकिन चल किसका रहा है कंटेनर का, अभी तो कंटेनर से बाहर आ गए ना, बाहर आ गए तो क्या हुआ, वो तो हमने बताया, अब तुम ब्राउजर पे पुट्टी हमने सर्वर पे लॉगिन करके रख दिया, ठीक है, हम पुट्टी को डिस्कनेक्ट कर दिए, सर्वर हमारा चल रहा था, क्या हमारा एप्लीकेशन थोड़ी बंद हो जाएगा सारा चलना है, वो तुमने क्या किया था वो सिर्फ तुमने उसके टर्मिनल पे स्विच किया था, नहीं समझा, तुमने मशीन बना लिया अपने, ठीक है, पहले तो सर मेन मशीन पे थे हम लोग, मेन सर्वर मेन मशीन पे गए, हमने डॉकर इमेज से पुल कर लिया, पुल करने के बाद मशीन एक लॉन्च कर दिया, कंटेनर एक नया बना दिया, ठीक है, कंटेनर बना दिया, अब हमने डिफाइन कर दिया कि जो रिक्वेस्ट हमारे पोर्ट 80 पे आए वो कहाँ फॉरवर्ड कर दे, दूसरे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दे, जिसका नाम होगा ये सर्वर। अब जब अमरनाथ रिक्वेस्ट मारेगा पोर्ट 80 के लिए, मारेगा तुम्हारे सर्वर पे ही, लेकिन वो इंटरनल जाएगा उस कंटेनर पे जाएगा, अलाउ किया है। हाँ, इस वेब सर्वर टू को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ लिखा तो है हाइफ़न पर नेम इक्वल टू कुछ भी दे दो सर, तो एक और तो हम ऐड कर सकते हैं, एक और मशीन बना लो, हम ऐड करना कैसे कैसे इसमें ऐड करने, नहीं नहीं बनाने में वो तो बनाना कौन सी बड़ी बात हो, अब तो बनना एक बनाओ दो बनाओ कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें बनाना है इसे बाहर तो आओ, इसमें तुम ये है ना, यहाँ पे तुम क्या करोगे, ऑलरेडी पोर्ट 80 से 80 रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ तुम करोगे 22 कर रहा हूँ मैं, एसएच के दे रहा हूँ पुट्टी करो 22, लेकिन ये एक बात सुनो इधर, ये जो तुमने मशीन बनाया है ये सिर्फ बनाया है अपाचे सर्वर के लिए, ठीक है, फिर दूसरा तुम्हें एक मशीन वो करना पड़ेगा, इमेज लेना पड़ेगा,
अच्छा हर हर मतलब हर रिक्वायरमेंट हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग इमेज लोगे, ठीक है। तो इमेज लेने का उसका कहाँ से शुरू से कैसे करेंगे सर? वह तो इमेज लेने के लिए भाई डॉकर हब पे जाओगे ना तुम, मेरे कमांड पे मतलब डॉकर हब। एक मिनट सर, रुक जाइए, ये पुराना वाला कर दे रहा हूँ। नहीं चल तो रहा है, ये सो क्यों कर रहे हो कुछ नहीं? अच्छा ये चलाना मत अभी। हाँ क्या डालो डॉकर? यहाँ से खोलो ब्राउजर। डॉकर हब वाला कहाँ था? हाँ यहाँ पे जाओ, सर्च करो, यहाँ सर्च कर लो तुम एफ टी वी एस एफ टी पी डी लिख लो। करो अब ये दे रहा है, ये इस पे क्लिक करो। अब यहाँ से करो डॉकर पुल। अच्छा इमेज कर रहा कॉपी, ठीक है हो गया, पूल हो गया। अब डॉकर इमेजेस कमांड चलाओ, ये मिटा पूरा, कंट्रोल सी करो। ये तो चलाएंगे ना, ये क्यों चलाओगे? डॉकर इमेजेस करके देखो कि इमेज बन गया कि नहीं बना, चेक करेंगे। अरे डॉकर स्पेस इमेजेस कमांड लिखो ना। हाँ ये आ गया यहाँ पे, इसका नाम है ये, ठीक है। फ्लोरिया अपन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये फ्लोरिया वी एस एफ टी पी डी फ्लोरिया। अब तुम मशीन लॉन्च करो सर। इसमें इमेज कहाँ बना है, कैसे देखेंगे? इमेजेस कमांड चलाओगे तो यहाँ दिखाएगा ना क्या है इसका। इसका नाम दे दो, इसका पोर्ट दे दो 21। नहीं दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा तो कुछ बीएसएफटी का देखना क्या होता है। 21 चला मत देना, चला भी दिया सर। ये हम कैसे पहचानेंगे इमेजेस बना कि नहीं बना है? अरे भैया इमेजेस कमांड चलाओगे तो यहाँ दिखाएगा ना लिस्ट में। रुक जाओ ऐसे मत दो, इसका नाम पहले चेंज करो एफटीपी सर्वर। देन स्पेस ये मिटा भी एफटीपीडी पूरा मिटा दो मिटा। अरे यार मेरा स्पेस ये दो, पूरा कॉपी पेस्ट कर दो। हो रही है? हाँ ठीक है। अब क्या देखो, डॉकर रन, रन मतलब रन करे आई हाइफन आई टी इंटरेक्टिव मोड में, ठीक है ना। हाइफन डी मतलब डिटैच मोड में। हाँ चंदन भाई क्या चाल? बस ठीक है, बताइए सर। किस क्या 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 दोबारा बताना? लिनक्स पे। दो से तीन साल का चाहिए। कितना कितना देंगे? ओके चलो मैं आपको
दे दो, दे दो आप दे दो, आप दे दो, हाँ दे दो, क्या हुआ सर? ये चंदन जी हैं हमारे साथ बिजनेस करने भी लगे हैं, ठीक है? तो इनको भी गुड़गांव से कोई कंपनी है, कोई जान पहचान है, तो वहाँ से आया, 3 साल के एक्सपीरियंस, 2 साल के एक्सपीरियंस के बंदा है, तो चाहिए, अच्छी कंपनी है और एफरेंस लग जाएगा वहाँ पे जाऊँ क्या? तो लेकिन दूसरा चीज ये भी है कि वो भी बोल रखा है कि आप हमें दे दो सपोर्ट है ना, और हम आपको काम करवा देंगे। ये क्या चला रहे हो? मैं कर रहा हूँ सर, आप बताते रहे, मैं कर लूँगा, आप बताइए ना आगे। हाँ क्या हो गया था? इतना बड़ा नाम से बना था ये कंटेनर, कैसे बता दे रहा? कंटेनर आईडी किया करो यार, सुनो देखो मैसेज किया करो, डॉकर पीएस, यही तो किया था डॉकर पीएस, जब मशीन लॉन्च हो गया ना, ये सक्सेसफुल हो गया, तो कमांड चलाया करो डॉकर स्पेस पीएस, इसको कमांड नया लिखो, तुम कमांड नया लिखो, नया लिखो बिल्कुल नया, डॉकर डीओसी केईआर स्पेस पीएस स्पेस हाइफन ए, बना दिया थोड़ा स्मार्ट बनो, मिटाने से अच्छा कंट्रोल सी कर दो, पीएस स्पेस हाइफन ए। आज तो तुमने ये बनाया था, अभी तो तुम्हें दिख रहा स्क्रीन पे, कल तो स्क्रीन तो खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ से लाओगे? हाँ यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये करोगे डॉकर पी एस आईफन ए, फिर जो तुमने चलाया ना ये डॉकर ये एग्जीक्यूट आईफन आई टी देना स्पेस, ये कंटेनर आईडी का नाम देंगे, ठीक है जी? लिख लीजिए आप लोग ये। तो क्या हो रहा सर वहाँ पे, दे रहे हैं सपोर्ट आप?